खबर जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले MBPG महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव न होने की खबर मिलने के बाद छात्रों में उबाल आ गया। छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। छात्रों का कहना है कि छात्र हितों की अनदेखी की जा रही है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि पूर्व में सही समय पर चुनाव होते हैं और जो हवाला दिया जा रहा है कि लिंगदो कमेटी के हिसाब से सही समय पर चुनाव होता है, जब कॉलेज में सारी चीज़ें सही समय पर नहीं हो पा रही हैं तो चुनाव भी ऑब्वियसली बात है लेट होगा। तो ये सारी चीज़ें, सारा भार जैसे प्रदेश में बताया जा रहा है केदारनाथ में चुनाव होना है, कई मामलों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि छात्र चुनाव को हटाया जाए। क्यों छात्र चुनावों पर हमेशा छात्रों के साथ ही गलत किया जा रहा है? इस महाविद्यालय में बच्चा पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा है, जो फर्स्ट टर्म में आता है, किसी को अध्यक्ष लड़ना है, किसी को जॉइंट सेक्रेटरी लड़ना है, किसी को कहीं लड़ना है। कई लोग अपने मन से यहाँ पर मजबूती के साथ यहाँ पर कार्य करते हैं, हर छात्र छात्राओं की मदद करते हैं, तो उनके जो सपने हैं साकार, किसी को नेता बनना है, किसी को कुछ करना है, तो उनके सारे सपने यहाँ पर आज सरकार पानी फेर रही है। और ये केवल पानी ही नहीं फेर रही है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कि जमीनी स्तर पर नेताओं को खत्म किया जा रहा है। जो छात्र नेता हैं, जिन्हें पता है कि छात्र नेता एक नींव होती है नेतागिरी की, तो फ्यूचर इनका खत्म किया जा रहा है। सारे छात्र नेताओं को यहीं दबा दिया जा रहा है, दफन किया जा रहा है, उनका गला घोट दिया जा रहा है, ताकि यहाँ पे प्रदेश में इस प्रकार की नेतागिरी आगे ना आ पाए। आज हमारे छात्र संघ के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके द्वारा कॉलेज में छात्र चुनाव की तिथि को निर्धारित करने के लिए, छात्र चुनाव की तिथि निकालने के लिए कॉलेज में धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़ तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्लासेस बंद करवाई है उन्होंने और काफ़ी देर तक प्राचार्य कक्ष को घेरा है इन्होंने, प्राचार्य का घेराव भी किया है, सारे लोगों का घेराव किया है, लेकिन प्रॉक्टर बोर्ड और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्व इनका जो धरना प्रदर्शन है, शायद ये चला है, अभी भी चल ही रहा है, देखें क्या होता है। छात्रों को समझा दिया गया है, क्योंकि ये मामला हमारे हाथ में नहीं है, ये कोर्ट का डिसीजन अभी आया है। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद इन लोगों ने जो समाचार पत्रों और प्रिंट मीडिया से जो खबर पड़ी है, उसी के एवज में आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन का कार्य।